तो दोस्तों आज एक ऐसा फिनोमेनन होने वाला है जैसे 24 मार्च को हुआ था, मून वीनस के ऊपर से गुजरा था जिसे हमने वीनस एक्लिप्स कहा था, और उस पर भी मैंने एक वीडियो दिया था जो आपने अच्छा पसंद किया उस वीडियो को। और आज 28 मार्च है और आज भी एक कुछ इस तरह का फिनोमेनन होने वाला है जो सनसेट के बाद हमें दिखाई देगा, जिसमें 5 प्लैनेट हमें आकाश में अलाइन दिखाई देंगे, यानी एक ही रेखा हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों इसके पीछे का जो साइंस है वो किस तरीके से काम कर रही है, इसकी थोड़ी डिटेल में आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से ये फिनोमेनन यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स ऐसे हैं कि भाई ये जो फिनोमिनन है कि आज ही के दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज उसका पीकनेस है जो यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों दोस्तों? यहाँ पे जो जुपिटर है वो सन की दूसरी साइड जाने वाला है और हमारा पृथ्वी जो है वो घूम के सन के इस साइड यहाँ पे रहने वाला है, तो हमें जुपिटर दिखना बंद हो जाएगा कुछ समय, 1-2 महीने के लिए। और मरकरी जो अपनी ऑर्बिट में तेजी के साथ घूमता है जिससे वो आज यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि जुपिटर के साथ कंजक्शन करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और जस्ट उसके ऊपर हम यहाँ आएंगे तो वीनस हमें दिखाई देगा, जो नॉर्मली आपको आने वाले 1-1.5-2 महीने तक आसानी से दिखाई दे सकता है, और उसके ऊपर जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा यूरेनस, शायद आप उसे नग्न आंखों से ना देख पाए, और उसके ऊपर जस्ट हमें हमारा मून जो सैटेलाइट है वो हमें दिखाई देगा, और उसके साथ में हमें मार्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कुछ ऐसा अलाइनमेंट यहाँ पे होने वाला है। अब दोस्तों इसकी मैं रियलिटी बताता हूँ, ये किस तरह से हमें एक साथ 5 प्लैनेट अलाइन यहाँ पे दिखाई देते हैं। दोस्तों हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम पृथ्वी से इन प्लैनेट को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक सीध में यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सपोज करो कि भाई आप खड़े हैं सूर्य पर, तो दोस्तों सूर्य से अगर आप इन सारे प्लैनेट्स को देखेंगे तो ये एक उस दिशा में दिखाई देगा, तो एक खोपड़ी पे दिखाई देगा, और एक इस दिशा में यहाँ पे दिखाई देगा, ये एक सीध में वहां से यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। ऐसा ही हमारे वीनस पर होगा, अगर हम वीनस पर खड़े हैं तो वीनस पे हमारा मार्स दिखाई देगा बिल्कुल 36 के इस पार, हमें जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर और यूरेनस वगैरह वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे, वो एक लाइन में यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। इस तरह के फिनोमेनन जो हर ग्रह से देखने को मिले एक ही सीध में, यानी कि सन के एक ही साइड सारे प्लैनेट आ जाए, ये हजारों सालों में एक बार यहाँ पे होता है। तो ऐसा ना सोचे कि ये जो आज फिनोमेनन हो रहा है ये आगे कभी नहीं होगा, हो सकता है आपको अगले साल 2-3 प्लैनेट एक लाइन में अलाइन यहाँ पे दिखाई दे जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको दिखाई देते ही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें ऐसे वर्क यहाँ पे कर रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे विजिबिलिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैसे आपको ये विजिबल हो सकता है और कितने चांस हैं आपके लिए? दोस्तों यहाँ पे सनसेट के बाद ही आपको तुरंत यहाँ पे देखना होगा, तभी आप यहाँ पे जुपिटर और मरकरी को ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी अर्थ की रोटेशन के कारण, क्योंकि वो होराइजन के काफी नजदीक होंगे, इस वजह से वो 15-20 मिनट में ही आपको दिखने बंद यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर उस बीच में आपने उन्हें कैप्चर कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आपको बस कुछ ही प्लैनेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे यूरेनस, वीनस और हमारा मंगल, और उसके साथ में हमारा सैटेलाइट मून। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट ये है, हम इससे टेलीस्कोप से ही देख पाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो सिर्फ एक प्लैनेट को ही देख पाएंगे, क्योंकि वो एक छोटे फील्ड ऑफ व्यू को हमें टेलीस्कोप जूम करके यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाता है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से प्रो मोड के माध्यम से ही शूट कर सकते हैं, जिसमें आपका मार्स और मून आई थिंक ना कैप्चर हो पाए, ऐसा आपके साथ यहाँ पे होगा। तो दोस्तों सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में, और यहाँ पे मून ऊपर है, आप दिख रहा होगा ये मून है। और आपको एक बेहतरीन चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्रियोसिटी किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा टेलीस्कोप जो इस तरीके से है, और आप कुछ यहाँ पे देखेंगे बच्चों की क्यूरियोसिटी। ये देखिए यार किस तरह से बनाया है यार ये टेलीस्कोप, मैंने इन्हें आइडिया दिया था और थोड़ा सा मैंने ट्यूटोरियल भी दिया था इन्हें बना के, इन्होंने जो सनग्लासेस होते हैं उसका मिरर यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद मैंने इन्हें एक आईपीस भी होममेड आईपीस बना के दिया जो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे भाई आपका नाम क्या है, जरा इधर आए सामने। हाँ समर आलम, हिंदी में एक्सप्लेन करो क्योंकि हम भारतीय हैं। मेरा नाम है समर आलम। हाँ तो ऐसे बनाया था, ये ऐसे ये एडजस्ट हो सकता है। हाँ और ऐसे नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अच्छा अच्छा, अब इसे हम टिल्ट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो वो कैसे होगा? अच्छा ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, तुमने इधर को घूम सकते, तो ये बस ये इस तरह से नहीं हो सकता है, ये इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन ये इस तरह से कर सकते हैं इसे। तो तुमने ये कैसे मेहनत करके बनाया? माइंड में आया इसको देख के बनाया जो मैंने बनाया। हाँ। अच्छा ये देखा था ऐसे हमारे पास भी हाथ में पकड़ने के लिए बोल रहा था। तो ये देखो दोस्तों क्यूरियोसिटी सिर्फ इसे ही कहते हैं, ये मैंने आइडिया दिया, छोटा सा बना के दिया इन्हें, मतलब रोल करके इस जो प्रोजेक्ट पेपर होता है यहाँ पे इसको बना के दिया, इन्होंने स्टैंड ही बना डाला यार। क्यूरियोसिटी देखो यार, हम तो यार काफी बड़े हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा आइडियाज आते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में भी इतने सारे आइडिया आते हैं, ये यार एक सोचने वाली बात। तो काफी अच्छा लगा यार मुझे ये सारी चीज देख के, छोटी छोटी इंस्पिरेशन से ही बच्चे आगे यहाँ पे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सनसेट यार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमारे मरकरी और जुपिटर साथ में होने चाहिए, इनका कंजक्शन यहाँ पे ही होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ ऊपर दिखाऊं मैं आपको, इधर यहीं कहीं पे वीनस है, किधर गया भाई वीनस? तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीनस यहाँ पे है। और दोस्तों आपको दिखा दूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी सेम फ्रेम में लेना कितना हो सकता है। अगर मैं फोटो लेता हूँ तो वीनस ही यहाँ पे आ पाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जाएं तो बिल्कुल 90 डिग्री तो नहीं कह सकता, 85 डिग्री कह सकता हूँ। हमारा मून है और जस्ट इसके बगल में होगा यहाँ ही कहीं पे मंगल ग्रह, जो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ अभी की टाइम पे, क्योंकि अभी रोशनी ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मरकरी को और जुपिटर को तो कैप्चर कर लिया। रैंडमली मैं नीचे अपने टेलीस्कोप को घुमा रहा था तो मैं इसे देख पाया, क्योंकि आंखों से नहीं दिख पा रहा था। उसने छोटे से एरिया को मैग्निफिकेशन करके दिखाया, जिस वजह से मैं इन दोनों को यहाँ पे देख पाया। मैं लकी था, इस फिनोमेनन को मैंने कैप्चर यहाँ पे कर लिया। मैं यहाँ पे नाइट मोड लेके देखता हूँ, शायद ये फोटो में यहाँ पे आ जाए। अब दोस्तों मैंने अपने टेलीस्कोप को फोकस किया मंगल ग्रह की तरफ और हमारे चंद्रमा की तरफ को, तो यहाँ पे इजीली ये ट्रैक हो जा रहे थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो में कितने प्यारे यहाँ पे लग रहे हैं। जस्ट बगल में आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा मंगल ग्रह और ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा मून। तो दोस्तों इन दोनों का कंजक्शन भी काफी प्यारा यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टास्क था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हमने मरकरी के साथ जुपिटर का कंजक्शन भी यहाँ पे आपको दिखाया और साथ में मंगल ग्रह के साथ हमारा चंद्रमा का भी कंजक्शन यहाँ पे दिखाया। बाद में मैंने वीनस को कैप्चर किया और उसके साथ यहाँ पे यूरेनस को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। 100% तो श्योर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये वाला यूरेनस यहाँ पे है। तो आई होप दोस्तों इन सारी चीजों को करने के बाद ना मुझे काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन सारी चीजों को कैप्चर कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीजों को कैप्चर करना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे लगती है। तो अब अपनी मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पे कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर यहाँ पे बताना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।